हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर गाने का माउथ ऑर्गन पे लेसन देने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा गाना है, माउथ ऑर्गन में बहुत अच्छा लगता है। गाना है दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। ठीक है, तो इस गाने को गाने के लिए आपके पास कोई भी 24 होल्स का अगर माउथ ऑर्गन है तो चलेगा, अगर आपके पास ये ट्रेमोलो है इस तरह का तो चलेगा, अगर आपके पास ये टावर है माउथ ऑर्गन तो इसमें भी आप बजा सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक बार गाना सुना देता हूँ, फिर आपको लेसन देता हूँ डिटेल से। ठीक है, ये मैंने बजाया है, मैं आपको टावर पे ही बजा के आपको सुना देता हूँ एक बार, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप टावर में भी इसे बजा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेसन शुरू करता हूँ। पहला लाइन है ये, ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पे लिरिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे होल नंबर्स दिए हुए हैं, और ये पी मतलब फूकना, के मतलब खींचना। आप जानते हैं ऑड नंबर होल्स में फूकना पड़ता है और इवन नंबर होल्स में हमेशा खींचना पड़ता है। ठीक है, और नीचे सरगम पे नोट्स लिखा हुआ है, जिन्होंने सरगम सीख लिया है या फिर जो सरगम बजा सकते हैं वो इसे फॉलो कर सकते हैं, और जो सरगम नहीं जानते हैं वो बस होल नंबर के हिसाब से बजा सकते हैं। ठीक है, तो गाना शुरू होगा, देखिए 11 नंबर होल से फूंक के गाना शुरू होगा। आपको पी लिखा है, फूंक के 11 नंबर होल से शुरू करना है। दिल बजाने के लिए आपको 11 नंबर होल में फूंकना है और 10 नंबर होल में खींचना है। ठीक है, कहता है 11 नंबर होल में आपको फूंकना है, 10 में खींचना है और फिर 9 में फूंकना है। है आपको 8 और 6 दोनों में खींचना है, के लिखा है खींचना है। ठीक है, चल आपको 6 और 10 बजाना है, उनसे 10, 8 और 6 10 में खींचना है, 8 में खींचना है, 6 में खींचना है, 3 बार आपको खींचना है तो उनसे निकल जाएगा। मिल आपको 6 और 5 बजाना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे लिख डालिए, फिर से मैं आपको बजा के सुनाता हूँ। तो ये पहला लाइन हो गया। सेकेंड लाइन, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, उठते कैसे बजा रहा हूँ, दो बार मैं पाँच नंबर होल में खींच रहा हूँ और पाँच नंबर में दो बार मैं फूंक रहा हूँ और फिर छः में मैं खींच रहा हूँ, तो उठते निकल जा रहा है। उठते हैं छः नंबर होल में मैं खींच रहा हूँ तो हैं निकल जा रहा है। ठीक है, कदम मैं 8 में खींच रहा हूँ फिर 9 में फूंक रहा हूँ तो कदम निकल जा रहा है। रुक 11 और 9 मैं दोनों में फूंक रहा हूँ। जाते 8 और 6 में दोनों में खींच रहा हूँ और हैं मैं 6 में खींच रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर तीसरे नंबर पे आता हूँ, थर्ड नंबर लाइन पे, दिल हमको कभी समझाता है। ठीक है, कहाँ से, दिल 11 और 10, 11 में फूंक रहा हूँ 10 में खींच रहा हूँ। तो पहला लाइन जो था फ्रेंड्स, देखिए वही नोटेशन ये थर्ड लाइन में भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, हमको 11 और 10 में
मैं यूज़ कर रहा हूँ, 11 में फूक रहा हूँ, 10 में खींच रहा हूँ। कभी मैं 9, 8 और 6 यूज़ कर रहा हूँ, 9 में फूक रहा हूँ, फिर 8 में खींच रहा हूँ, 6 में खींच रहा हूँ। समझाता है, देखिए मैं 6, 10, 10, 8, 6, 6 में मैं खींच रहा हूँ, फिर 10 में होल में आके मैं 2 बार खींच रहा हूँ, फिर 8 में खींच रहा हूँ, 6 में खींच रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, समझाता है, 6 और 5 में यूज़ कर रहा हूँ। और लास्ट लाइन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दिल को कभी समझाते हैं। नीचे जो सरगम से बजाना चाहते हैं, ये माइनस मतलब आपको लोअर ऑक्टेव का आपको प बजाना है, माइनस प मतलब लोअर ऑक्टेव का प बजाना है। मैंने एक लेसन बनाया है जहाँ पर मैंने लोअर ऑक्टेव में आप सरगम कैसे बजा सकते हैं, मिडिल ऑक्टेव में कैसे बजा सकते हैं और हायर ऑक्टेव में कैसे बजा सकते हैं, मैंने वहाँ पर लेसन दिया है, तो आपको तो मालूम ही होगा जिन्होंने इस लेसन को प्रैक्टिस किया है। और जिन्हें ये सरगम के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, वो जस्ट होल नंबर के हिसाब से बजा सकते हैं। होल नंबर यहाँ से आपको गिन लेना है, ये 1 नंबर होल हो गया, फिर 2 नंबर होल, 3 नंबर होल, ठीक है। अब तो जानते हैं यहाँ से मोटी आवाज़ निकल चुकी है, उसे लेफ्ट में रखना है, पतली आवाज़ को राइट साइड में रखना है, फिर आपको बाएं साइड से होल नंबर काउंट करके आपको इसी तरह से बजाना है, ठीक है। तो मैं आपको जाते जाते एक बार इसमें सुना देता हूँ, ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स मुझे बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो मैं लेसन बनाता रहूँ आप तक पहुँचता रहे, आप अच्छे माउथ में पेयर बने, खुश रहें। टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।